हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए फरवरी 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉय सभी के लिए रीडिंग होगी। जो सिंगल हैं, मैरिड कपल हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में, तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग होगी। और यहाँ मैं कार्ड शफल करूंगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक्वेरियस। कार्ड्स आए हैं आपके लिए एक्वेरियस और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो डेक के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग, तो आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस तरह के पर्सन आ सकते हैं जो फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के हों। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हमें पर्सन वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये पर्सन हो सकते हैं टॉरस वर्ग कैप्रिकॉन यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। और काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई वर्क करते हों, यानी बैंकर हों या फाइनेंस से जुड़ा इनका कोई वर्क हो सकता है। 9 to 5 जॉब करने वाले ये हो सकते हैं और काफी सुलझे हुए, समझदार और मैच्योर माइंडेड पर्सन हैं और काफी डिसेंट पर्सनालिटी के हैं। इस तरह के गर्ल या बॉय आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं फरवरी के मंथ में थ्रू मैरिज प्रपोजल, या इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। और कुछ लोग ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं जो साइंस आपको बताए गए हैं। और ये पर्सन जो है वो काफी इन्वेस्टमेंट प्लान करने में और लाइफ में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन भी रहने वाले हैं, उनकी भी एनर्जीज इस तरह की रहेगी। काम पे काफी फोकस लग रहा है, पैसा भी काफी सेव कर रहे हैं आपके पर्सन। इस तरह की एनर्जीज उनकी भी रहेगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए अगर हम देखें तो टेम्परेंस का कार्ड है, तो एक्वेरियस आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए धनु राशि के पर्सन भी आ सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होगा और ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हों और ये काफी अगेन वही चीज दिख रही है, काफी सिंपल और खूबसूरत हैं पर काफी डिसेंट पर्सन हैं ये और डिवाइनली काफी गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफी रिलीजियस हो सकते हैं ये, क्योंकि आप यहाँ डिवाइन विंग देख रहे हैं। तो ये काफी डिवाइनली गाइडेड पर्सन है और बहुत संतुलित इंसान है जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके पर्सन की एनर्जीज भी यहाँ इस तरह की रहेगी, काफी बैलेंस करना चाह रहे हैं रिश्तों को, इस तरह की एनर्जीज में वो रहेंगे। क्योंकि आपके लिए यहाँ कार्ड आया है टावर का, तो आप में से कुछ एक्वेरियस के लिए ऐसा हुआ हो सकता है कि आपकी अभी अभी आपके पर्सन या पार्टनर से या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुई, फाइट हुई या ब्रेकअप ही हो गया, कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ हो सकता है, कोई टावर मूवमेंट आप लोगों ने अभी फेस किया है। और अगर आप सिंगल भी हैं तो काफी आपने अभी परेशानी भरा समय देखा है, काफी उतार चढ़ाव लाइफ में देखे हैं, कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली अभी गुजरा है और उसी वजह से काफी अस्त व्यस्त और तनाव वाला माहौल आपने देखा है और उसी चीज को आप अभी फेस कर आए हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, तो आपके पर्सन उस चीज को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं फरवरी के मंथ में। डेथ का कार्ड आया है, तो एक्वेरियस आप में से कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं स्कॉर्पियो के साथ, यानी वृश्चिक राशि के आपके पर्सन या पार्टनर हो सकते हैं। और सभी एक्वेरियस ने काफी बड़े चेंजेस को देखा है, क्योंकि डेथ कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अभी अभी फेस किया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने किसी रिश्ते को अभी एंड किया है और ये एंडिंग आपकी तरफ से हुई है, क्योंकि आप अपने आप को कह सकते हैं उस सिचुएशन में नहीं रखना चाह रहे, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ दिख रही है, कुछ एक्वेरियस के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन आप सबने फेस किया है, किसी तरह से आप सभी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस आपने अपनी लाइफ में अभी अभी देखे हैं। और यहाँ आपके लिए कार्ड आया है एज ऑफ पेंटिकल्स का, तो बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाएगा। जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है या कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में अभी तक रही है, तो यूनिवर्स आपके लिए मौका ला रहा है आपके पर्सन या पार्टनर से कनेक्ट होने का। तो आपके पर्सन जो है वो इस तरह का फील करने वाले हैं कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने को तैयार है। तो आपके लिए रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, अगर आप चाहेंगे किसी रिश्ते को चांस देना तो वो चांस आपको मिल सकता है। इस तरह का पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड माना जाएगा। और पिकॉक स्पिरिट है, तो पिकॉक इज समथिंग अबाउट प्राइड एंड ब्यूटी, इसी तरह की एनर्जीज आपके लिए लग रही है। और यहाँ
नेक्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स का, बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाएगा और फाइनल आउटकम के रूप में अगर आप देखें तो टेन ऑफ कप्स की ये एनर्जी ये बता रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आपने कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में रहे हैं पर वो उन सब चीजों को भुलाकर आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह यहाँ देख रहे हैं और ये हैप्पी फैमिली कार्ड माना जाता है। तो परिवार के साथ काफी खुशियां आप मनाने वाले हैं और जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिनसे आगे चल के उनकी शादी या सगाई हो। और कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली लग रहे हैं क्योंकि टेन की एनर्जी कम्प्लीशन की मानी जाती है। इवन आपके रिश्तों में चाहे कितना भी स्ट्रगल हो पर फिर भी आप फिर से यूनाइट हों इसके काफी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और ओरेकल डेक से अगर हम कार्ड देखें तो एम्ब्रोसमेंट का कार्ड है। एक्वेरियस आप में से कुछ लोग डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हैं या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया है और मिल नहीं पा रहे आप अभी तक और काफी ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों का। पर यहाँ 29 नंबर है, 2+9=11 होता है तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं और इसी वजह से शायद कुछ अप डाउन्स आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। पर यहाँ आपके लिए कार्ड आया है ऑक्यूपेशन का। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जिस तरह के पर्सन आपको बताए गए हैं वो पर्सन आपसे काम के सिलसिले में ही फर्स्ट कनेक्ट हों इसके काफी चांसेस लग रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन 34 ईयर्स के भी हो सकते हैं। और यहाँ से भी कार्ड आया है फैमिली रूम का, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शादी सगाई जैसा आ रहा है और कोई सॉलिड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपके लिए आ सकता है और आप अपनी फैमिली के साथ काफी खुशियां एंजॉय करने वाले हैं और अपनी कह सकते हैं लाइफस्टाइल पे भी आप काफी खर्च करने वाले हैं। कुछ आपके लिए वेल्थ और प्रोस्पेरिटी भी आ रही है क्योंकि 21 नंबर आया है, 2+1=3 होता है। अबंडेंस भी काफी रहेगा फरवरी के मंथ में। और यहाँ अगर हम देखें टॉयल एंड लेबर का कार्ड है तो आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं इस तरह के पर्सन से जो आपके वर्क प्लेस पे हो, यानी आप लोगों का वर्क प्लेस वाला लव हो। और कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है जो आपके कलीग्स में से कोई पर्सन आपको अप्रोच करे स्पेशली फरवरी के मंथ में, इसके काफी चांसेस यहाँ लग रहे हैं। यहाँ से भी 38 नंबर है, 11 नंबर है तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है गिफ्ट का और 17 नंबर है। तो फ्रेंड्स आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, सरप्राइज गिफ्ट। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई रिलेशनशिप आ सकता है जो आपके लिए एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह होगा क्योंकि 17 नंबर आया है, 1+7=8 होता है तो एक जस्टिस का नंबर माना जाता है 8। तो यहाँ आपके लिए ये रिलेशनशिप एक जस्टिस होने जैसा होगा जो लोग सिंगल हैं और इस तरह की भी एनर्जीज आपके लिए लग रही है। और कॉर्डशिप का बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आप सभी के लिए, तो जो सिंगल हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे, कोई पर्सन आपके लिए आ रहे हैं जो काफी लविंग है, केयरिंग है और आपके वर्क प्लेस पे ही आपसे मिलें या वो खुद किसी काम के सिलसिले में आपके तक आए इसकी भी काफी चांसेस लग रहे हैं। और ये पर्सन आपके साथ एक कॉर्डशिप चाह रहे हैं और काफी बातें मुलाकातें हो सकती है, लवी डवी मोमेंट्स आ सकते हैं और काफी मिलना जुलना आपके पर्सन से आपका रहेगा, उनकी फीलिंग्स भी इसी तरह की रहेगी, काफी दिल के बातें आपसे कर सकते हैं वो। और इस तरह की एनर्जीज वाला कार्ड माना जाता है कॉर्डशिप, तो आप लोगों की एक कॉर्डशिप रहने वाली है। और जो सिंगल हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो काफी खूबसूरत हैं और काफी लविंग और केयरिंग पर्सन ही होने वाले हैं जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ अशोजन कार्ड से देखें तो आपके लिए कार्ड आया है फ्लावरिंग का, तो आपका जो टैलेंट है एक्वेरियस वो बाहर निकल कर आने वाला है, काफी आपकी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी निकलने वाली है बाहर और लोगों को आप दिखाने वाले हैं कि आप वाकई में क्या हैं, इस तरह का आपके लिए होने वाला है, आप काफी शाइन करने वाले हैं, इसी तरह का कार्ड है फ्लावरिंग। तो बहुत बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए फरवरी के मंथ में। और यहाँ कार्ड आया है लेजीनेस का, तो एक्वेरियस आपको यहाँ गाइडेंस दी जा रही है कि आप लेजीनेस से दूर रहें, थोड़ा सा आलस ना करें और जो भी काम करना चाहते हैं उसको आप प्लान करके एक्ट करें, यानी उसको जो भी आपने प्लान सोचे हैं उसको एग्जीक्यूट करें और ऐसा आपके लिए गाइडेंस आई है। नेक्स्ट कार्ड आया है रीबर्थ का, तो एक्वेरियस आप अपनी एनर्जीज पे काफी ध्यान दे रहे हैं, हीलिंग पे काफी ध्यान दे रहे हैं और ये फरवरी का मंथ आपको
पुनर्जीवित करने जैसा होगा। आप फिर से रीबर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और यहाँ लायन स्पिरिट आप देख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी आप वापस पाने वाले हैं। और 10 नंबर यहाँ से भी आया है, तो एक कम्प्लीशन आप अपनी लाइफ में फील करने वाले हैं फरवरी के मंथ में। यहाँ से अगर हम देखें तो सौरव का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक्वेरियस आप में से कुछ लोगों ने काफी स्ट्रगल देखे हैं, काफी परेशानी देखी है, कोई दुख आपने उठाया है, किसी रिश्ते को आपने एंड किया है, या आप अभी अभी सेपरेट हुए हैं या ब्रेकअप से गुजरे हैं। और इसीलिए कुछ एक्वेरियस के लिए ऐसा लग रहा है कि आप काफी दुखी परेशान चल रहे हैं, और इसी तरह की एनर्जीज को दिखाने वाला कार्ड यहाँ आया है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एक्सक्यूशन का, तो कुछ एक्वेरियस काफी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारा वर्कलोड है आपके ऊपर और चाह रहे हैं कि इन सब से आप फ्री हों, उसके बाद अपने लव वन के लिए टाइम निकालें, इस तरह की एनर्जीज भी आपकी यहाँ दिख रही है। तो है और सक्सेस का कार्ड है, तो एक्वेरियस, सभी एक्वेरियस के लिए ऐसा लग रहा है कि काफी सक्सेसफुल मंथ होने वाला है, आप सफलता पाने वाले हैं जीवन में, और किसी बड़ी खुशखबरी का भी आपकी लाइफ में आना हो सकता है, यानी कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई बड़ा जॉब या कुछ आपका कोई काम बन सकता है, और बिग सक्सेस आप अपने लिए देखेंगे, इस तरह का कार्ड आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लव लाइफ में, और आपके लिए सक्सेस कार्ड आया है, तो जहाँ भी आप स्ट्रगल देख रहे थे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आपका जॉब वर्क हो या लव लाइफ हो, सभी जगह आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है फरवरी के मंथ में। और यहाँ गाइडेंस कार्ड लिए हैं फेरी ओरेकल डेक से, ये न्यूली इस बार ही लिए हैं हमने, और कार्ड आया है विश वाइसली। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली फरवरी के मंथ में जो भी भगवान से मांग रहे हैं, गॉड से और या एंजल से आप प्रे कर रहे हैं, वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी प्रेयर करें या जो भी दुआ मांगे उसको सोच समझ कर मांगे, क्योंकि विश आपकी डेफिनेटली पूरी होने वाली है। स्पेशली प्योरिटी का कार्ड आया है, और जो मैसेज है, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस। जी, आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हैं तो आपके दिल में ही उसका आंसर है, आपकी जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी, इस तरह की गाइडेंस आपके लिए आई है। तो अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखें, उसी से आप आगे लाइफ में सफल होंगे। सॉलिट्यूड का कार्ड है, तो आप में से कुछ एक्वेरियस जो हैं वो अभी अकेले रहना चाह रहे हैं, किसी का साथ नहीं चाह रहे, आप अपनी एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, और चाहते हैं कि आप इस समय का बेस्ट यूज करें, और ये आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी होगा। कुछ एक्वेरियस के लिए होगा कि आप अभी अपनी एनर्जीज को पहले हीलिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, उसके बाद किसी कनेक्शन में जाना चाहते हैं, तो इसी तरह की एनर्जीज का कार्ड है सॉलिट्यूड, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। वहीं हम देख रहे हैं जो सिंगल हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके अल्फाबेट क्या होंगे और जोडिक साइन क्या होंगे, और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे फरवरी के मंथ में। फर्स्ट अगर हम फर्स्ट आपके पर्सन जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं इस मंथ में, उनका अल्फाबेट अगर हम देखें तो एन नाम से हो सकता है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ लोगों के लिए एच नाम से हो सकता है आपके पर्सन का नाम, जेड नाम से हो सकता है, और बी नाम से हो सकता है आपके पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ लोगों के लिए डी नाम से भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम, और एल नाम से भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम। और उनकी राशि हम देखें तो पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के हो सकते हैं, टॉरस यानी वृषभ राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो भी आपके पर्सन हो सकते हैं यानी वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के भी हो सकते हैं। और वहीं हम देख रहे हैं आपके पर्सन आपको फरवरी के मंथ में क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये भी हम देखेंगे। आई लव यू एंड आई एम मेकिंग प्लान फॉर अस, जी आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं और आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। नथिंग इज ओवर येट, आपके पर्सन कह रहे हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आई नो यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट अडोरेबल, ये भी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। आर यू हैप्पी विदाउट मी, आपके पर्सन ऐसा पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप उनके बिना खुश हैं। इवन दो आई डोंट शो इट आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, जी आपके पर्सन आपसे माफी मांग रहे हैं, और
आई फील हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विथ यू. एक मैसेज और ले लेते हैं. यू आर माई क्वीन ऑफ माई हार्ट. और एक मैसेज और ले लेते हैं. माई हैप्पीनेस इज टू बी नियर यू डियर जी. उनकी खुशी आपके आसपास ही है. तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.